चलिए, निगेटिव इंडेक्सिंग बताने से पहले एक बार इसके आंसर्स देख लेते हैं, फिर वरना काफी सारे व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा कि उन्होंने जो आंसर निकाले हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, सो पहला देखिए क्या लिखा है। ए ऑफ वन मीन्स ए क्या है मेरा, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। जीरो पे क्या है, एच। सिमिलरली अब हम देखेंगे वन पे, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू मीन्स इसका आउटपुट दिखा रही हूँ तो इक्वल्स टू हटा दे रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ वरना आप समझोगे इक्वल्स टू आएगा। इसका आउटपुट होगा ई, और कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ऐसी ए ऑफ 8 क्या होगा, आर। ए ऑफ 11 होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ए ऑफ 0 होगा कैपिटल एच। ए ऑफ 5 होगा, आपको आउटपुट में कुछ दिखेगा नहीं बट एक स्पेस आएगा। ठीक है, ठीक है। सो मैं यहां पर बना दे रही हूं एक स्पेस का साइन, बट समझेगा मत कि इसमें आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, चलिए अब मैं इसीलिए आपको ये आउटपुट दिखा दिए हैं सो दैट अब हम निगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, चलिए निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हमारा देखिए स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है तभी हम इसको फॉरवर्ड इंडेक्स बोल रहे हैं। 0 1 2 3 मीन्स आप कहां से मूव कर रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। ठीक है, बट निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए आप बैकवर्ड मूव करोगे, मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। तो देखिए मैंने कहां से साइन बनाया है, यहां से स्टार्ट किया है, डार्क कर दे रही हूं सो दैट आपको दिखे। ये देखिए, अब हमने फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग में क्या देखा था, हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा था। ये देखिए मैंने जीरो लिखा है। निगेटिव इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग -1 से होगी, मींस -1 ये होगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा समझा रही हूं। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग कहां से होगी, हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जब हम निगेटिव की बात करेंगे, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब नंबर लाइन होती है तो जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जीरो से स्टार्टिंग हुई तो दोबारा जब हम निगेटिव की तरफ जाते हैं, निगेटिव नंबर लाइन की तरफ, तो हम फिर से जीरो स्टार्ट नहीं करते हैं, -1 -2 -3 मीन्स निगेट, जीरो कांट भी निगेटिव, जीरो कांट भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जीरो की वजह -1 से स्टार्टिंग होगी, तो -1, नेक्स्ट वाला -2 -3। हमेशा याद रखिएगा -1 या -2 -3 ऐसे नहीं चलेगा, रिवर्स में चलेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब क्यों राइट टू लेफ्ट बोल रही हूं, ये आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ से जब आप इस तरफ आओगे मींस राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, इसीलिए बोलते हैं इसको निगेटिव इंडेक्सिंग। मैं भी लिख रही हूं, पहले आप समझ लीजिए। पहले जहां एक्सक्लेमेशन मार्क है वो देखिए -1, डी पे -2, एल -3, आर -4, ओ -5, W -1, स्पेस, यहां पर स्पेस भी है, स्पेस -7, O -8, L -9, नेक्स्ट L -10, E -11, कैपिटल H -12। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव इंडेक्सिंग।
ठीक है, समझ में आ गया? मैं हल्का सा इसका एरो हटा रही हूं। ये देखिए, निगेटिव इंडेक्सिंग समझ में आ गया। ये मेरी क्या हो गई, पॉजिटिव बोलो या फॉरवर्डिंग बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी किया निगेटिव इंडेक्सिंग, क्या मैं इसके आगे माइनस लगा दूं सबके आगे? क्या आपको लगता है आंसर सेम रहेंगे? नहीं। चलिए, सेम क्वेश्चन है, मैं चेंज कर रही हूं माइनस साइन से, मींस ए ऑफ माइनस वन, ए ऑफ माइनस एट, ए ऑफ माइनस एट माइनस इलेवन, जीरो नेगेटिव नहीं होता है, तो ए ऑफ माइनस फाइव, या आप कुछ भी लिख सकते हो ए ऑफ, और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ए ऑफ माइनस ट्वेल्व, इसका आउटपुट क्या आएगा? फिलहाल आउटपुट चेंज हो जाएंगे, बस जीरो वाले को छोड़ के जीरो का एच ही रहेगा, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग होती नहीं है, जीरो पॉजिटिव है। फिर भी मैं आंसर इरेज कर रही हूं सो दैट आप आंसर खुद निकालो, क्योंकि ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग चेंज कर दी है। वीडियो पॉज कर लीजिए सो दैट आप आंसर एक बार खुद से निकाल के देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप आंसर्स तो देख लोगे, कैलकुलेशन भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे, बट दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो कोशिश करिए कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ उसके एक बार क्वेश्चंस दे रही हूँ हाथ के हाथ सॉल्व करके देखिए, और इफ आपको लगता है आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप एक नोट कॉपी बना लीजिए, सो दैट आपको बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट से ही पेपर, और जब भी आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है या फिर आपको कोई भी चीज आगे यूज करनी है, स्ट्रिंग और ये सब चीजें, तो आप तब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या व्यूअर्स हो, आपको पाइथन सीखने में इंटरेस्ट है तो आप उसके नोट्स भी, आपको अलग अलग भागना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपने नोट से पढ़ सकते हो। सो सेल्फ नोट बेस्ट होते हैं, अपने नोट्स एक बार खुद से बनाने की प्रैक्टिस करिए। चलिए, जिन्होंने आंसर्स निकाल लिए आप क्रॉस चेक कर सकते हो जो मैं आंसर लिख रही हूं। ए ऑफ माइनस वन, मेरा आएगा एक्सक्लेमिनेशन मार्क, ये देखिए माइनस वन पे एक्सक्लेमिनेशन मार्क है, माइनस एट पे है जीरो, सॉरी ओ स्मॉल ओ, माइनस इलेवन पे है स्मॉल ई, ओ पे है दैट इज ए ऑफ जीरो दैट इज कैपिटल एच, ए ऑफ माइनस फाइव दैट इज ओ, ए ऑफ माइनस ट्वेल्व दैट इज कैपिटल एच। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस निगेटिव इंडेक्सिंग? हाँ, एच एच रिपीट इसलिए हुआ है बिकॉज पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग कोलाइड कर रहे हैं, ए ऑफ जीरो पे भी एच आ रहा है, ए ऑफ माइनस ट्वेल्व पे भी एच आ रहा है। सो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको और दे देती हूँ। ए ऑफ वन इक्वल होगा ए ऑफ माइनस इलेवन के, और क्या आउटपुट आएगा, दैट इज ई। एक और एग्जाम्पल देती हूं, ए ऑफ कोई भी ले लो आप, ए ऑफ सिक्स इक्वल्स टू ए ऑफ माइनस सिक्स, क्या आउटपुट आएगा, कैपिटल डब्ल्यू। क्या लिखा है मैंने, ए ऑफ वन मेरा पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात हो रही है, ए ऑफ माइनस इलेवन मीन्स निगेटिव इंडेक्सिंग की बात हो रही है, और क्या मेरा शो करेगा स्ट्रिंग में से, ई। सिमिलरली डब्ल्यू के लिए भी एक बार आप खुद करके देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सो आई होप आपको इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में कैसे करते हैं ये चीज समझ में आ गई है। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करें उस पेज को, और कमेंट करिएगा इफ आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।